हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 10, दैट इज न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। तो इसके कुछ टॉपिक्स हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया है, और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट के दो टॉपिक, दैट इज असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स एंड ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अगर आपने इसके पहले की लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज वॉच इट, तभी आपको ये आगे के जो पॉइंट्स हैं वो समझ आएंगे। तो इसमें हम बात करेंगे सदर्न किंगडम के असेंबलीज के बारे में, मतलब दक्षिण का जो राज्य है उसके असेंबलीज के बारे में, उसमें क्या संघ थे उसके बारे में। तो दक्षिण के किंगडम्स के असेंबलीज के बारे में, दक्षिणी साम्राज्य में जो असेंबलीज थे, हमको पता कहाँ से चलती है, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवाज। पल्लव के एक इंस्क्रिप्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सदर्न किंगडम में सभा जो होती थी, सभा वो दैट वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मिन लैंड ऑनर। सभा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ब्राह्मिन लैंड ऑनर का मतलब वैसे ब्राह्मण जिनके पास जमीन होती थी उनका संघ था सभा, और ये काम करते थे सब कमेटी के द्वारा, कुछ कमेटी होते थे उसके अंदर और उसके थ्रू ये काम करते थे। और इनका काम था, दे लुक आफ्टर इरिगेशन, सिंचाई का काम देखते थे, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स एंड लोकल टेम्पल्स। इनका काम था सिंचाई के बारे में देखना, मतलब कैसे सिंचाई होगी उसके बारे में देखना, फिर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या क्या नए नए तरीके इम्प्लीमेंट किए जाएंगे एग्रीकल्चर में, वो इनका काम था। फिर इनका काम था रोड बनवाना, टेम्पल्स बनवाना। फिर नेक्स्ट है उर का मतलब है, ये एक विलेज असेंबली है, अ विलेज असेंबली। उर ऐसे इलाके में पाया जाता था, उर ऐसे इलाके में पाया जाता था जहाँ पे ब्राह्मिन लैंड ऑनर्स नहीं थे। तो इसके जो मेंबर थे या मालिक कह ले, वो थे नॉन ब्राह्मण्स। ऑनर नॉन ब्राह्मण्स थे, मतलब ब्राह्मण वर्ग से वो नहीं आते थे। फिर द नेक्स्ट इज नगरम। इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, मतलब ये सौदागरों का संघ था, ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट्स। एंड इट वॉज कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट। और नगरम को कंट्रोल किया जाता था धनी और शक्तिशाली जमींदार के द्वारा या फिर सौदागरों के द्वारा, लैंड ऑनर्स या फिर मर्चेंट्स के द्वारा। तो सदर्न किंगडम्स की जो असेंबलीज थी बेसिकली यही थी, एक तो उर हो गया, एक नगरम और एक था सभा। तो ये तीन असेंबलीज है सदर्न किंगडम्स की। तो सभा के जो मालिक थे वे होते थे ब्राह्मण लैंड ऑनर्स, मतलब ब्राह्मण जमींदार, और उर के जो लैंड ऑनर्स होते थे वो नॉन ब्राह्मण होते थे, वो ब्राह्मण नहीं होते थे। और नगरम मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन था, सौदागरों का एक संघ था, और ये कंट्रोल किया जाता था रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट्स के द्वारा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, मतलब साम्राज्य में जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो कॉमन पीपल थे, मतलब साधारण जो जनता थी वहां की, उसके बारे में। तो उन साधारण जनता के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट दैट ऑर्डिनरी पीपल। क्योंकि अगर हम बात करें किंग्स के बारे में, तो उनके बारे में बहुत सारी हमें अकाउंट्स मिल जाती हैं, प्रशस्तीज मिल जाती हैं, बट ऑर्डिनरी पीपल जो साधारण लोग थे, जो साधारण जनता थी वहां की, उनके बारे में तो ऐसा कुछ था नहीं, ना ही वो प्रशस्ति उन्होंने लिखवाई थी, ना ही कोई अकाउंट मिलता है उनपे। देन हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट दिस पीपल। तो इन सब के बारे में हमें
कुछ प्लेज होते हैं, कुछ नाटक वगैरह हो गई, उनसे इनके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास के बारे में। आई होप आपने नाम सुना होगा इनका, कालिदास। इनकी एक फेमस स्टोरी है, या हम कह लें कि इनकी एक फेमस प्ले है, दैट इज अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास की एक बहुत ही फेमस प्ले है, दैट इज अभिज्ञान शकुंतलम। और इस प्ले की लैंग्वेज है प्राकृत, क्योंकि उस टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज ही ज्यादा यूज किया जाता था और संस्कृत लैंग्वेज। तो इसका जो लैंग्वेज है, इस प्ले का, इस कहानी का जो लैंग्वेज है, दैट इज प्राकृत। एंड दिस इज द लव स्टोरी ऑफ, लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम जो प्ले है, दैट इज, वो क्या है, लव स्टोरी है दुष्यंत एंड शकुंतला की। और इसका लैंग्वेज जो है वो दैट इज प्राकृत लैंग्वेज। भाषा क्या है, प्राकृत है, जिसमें दुष्यंत मैन होता है और शकुंतला विमेन होती है। तो ऐसे ही कुछ प्लेज मिलते हैं, कुछ कहानियां मिलती हैं हमें देखने को, जिनसे कि हमें साधारण लोगों के बारे में जानने को मिलता है। और इसी टाइम पे हमें फाशियान के बारे में जानने को मिलता है, जो कि एक चाइनीज पिलग्रिमेज है, चाइनीज तीर्थ यात्री है फाशियान। मैंने आपको इनके बारे में पहले बताया भी है। फाशियान कौन है, एक चाइनीज पिलग्रिमेज है। इन्होंने उस टाइम पे नोटिस किया अनटचेबिलिटी को, मतलब छुआछूत की जो भावना है उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रचलन में थी, को नोटिस किया, नोटिस्ड द प्लाइट ऑफ अनटचेबिलिटी। इन्होंने ही उस टाइम पे जो छूत अछूत का जो भावना है उसको शो किया, उसको दर्शाया। हमने सबसे पहले बात किया इस लेक्चर के अंदर सदर्न किंगडम के असेंबलीज के बारे में, और फिर वहां के साधारण लोगों के बारे में, साधारण जनता के बारे में, कि कैसे उनकी लाइफ के बारे में या फिर कैसे उन लोगों के बारे में हमें पता चलता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। और तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।